बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने पर ललितपुर तुवन मंदिर में कलेक्ट्रेट सभागार तक सैकड़ों हिंदूवादी संगठनों ने महंत रामलखनदास महाराज के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन पत्र दिया, जिसमें हिंदू परिवारों की सुरक्षा एवं मंदिरों को पुनः निर्माण कर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की मांग की गई। जो सत्ता अच्युत की गई, हटाई गई, वहाँ की प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया और उस समय वहाँ की जब सरकार अस्थिर हुई, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ वहाँ कठपुत कुचली जो मुस्लिम हैं उन लोगों ने घोर अत्याचार किया, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की और सैकड़ों हिंदुओं के सनातन धर्मियों के मंदिरों को तोड़ा। पूरे विश्व का हिंदू इस बात से आक्रोशित है। आज ललितपुर में परम पूज महंत श्री राम लखनदास जी महाराज अखाड़ा पार्षद तथा तुवन मंदिर के महंत परम पूज गंगादास जी महाराज, परम पूज कृष्णगिरी जी महाराज, इनके नेतृत्व में ललितपुर जनपद का हिंदू समाज आज आक्रोशित होकर के एक विशाल रैली निकाली है और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद की है। हम बांग्लादेश की सरकार से अपील करते हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, उनकी हत्याएं हुई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं उनको सरकार नए सिरे से पुनरुद्धार करे, हिंदुओं को सौंपे और पूरी गारंटी दे के वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए भी सुरक्षित। जय श्री राम।